जी हिना साहबा बिल्कुल फ़र्ज़ नमाज हो जाएगी सत्रह रकतें सोच के नमाज ही छोड़ देना ईशा की ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। तो चार फ़र्ज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर कोई सुनतें नहीं पढ़ रहा सिर्फ चार फर्ज पढ़ लेता है तो फ़र्ज तो ज़िम्मे से साखित हो गए ना वरना फ़र्ज छोड़ना तो कबीरा बहुत बड़ा गुना है इस्लाम में तो किसी भी तरह हो फ़र्ज़ बहराल पढ़े बाकी ईशा के बाद दो सुनत मौकदाएँ तो वह भी पढ़ ले क्या जा रहा है इसमें वो भी मौकदाएँ कभी कभार छोड़ दें तो कोई हर्ज नहीं है लेकिन छोड़ने का मामूल बना लेना इसमें गुनाह का खतरा है ऐसा शख्स काबिल मलामत है नबी की सिफारिश शफात से महरूम होने का ख़तरा है तो इसलिए दो सुन्नतों को कभी मामूल बनाना चाहिए कभी कभार छोड़ जाए तो कोई हर्ज नहीं है लेकिन बहरअल दो सुन्नतों में और चार फर्ज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है दो सुन्नतों के चक्कर में चार फ़र्ज कभी भी ना छोड़ें नहीं पढ़े जा रहे तो चार फ़र्ज ही पढ़ लें तो लेकिन आम दो सुन्नतों का भी मामूल बना लें तो छः रखते ईशा की जिसको हम किसी हद तक ज़रूरी कह सकते हैं चार फर्ज तो वो तो फ़र्ज़ हैं बहरहाल और दो सुन्नतें मौकदाएँ वो छोड़ना हराम और कबीरा गुना तो नहीं है लेकिन काबिल मलामत है ऐसा शख्स जो सुन्नतें ना पढ़े और वितर ती, तीन रकत वितर रह गए वो पूरी रात में कभी भी पढ़ लें वो भी वाजिब हैं वो छोड़ेंगे तो गुनागार होंगे